हेलो बच्चों, मैं संजीता, हिंदी शिक्षिका सेंट जोसेफ स्कूल बड़लगंज, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठंड से बचते हुए आप लोग अपने घर में इस वीडियो को आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ के द्वारा जो नोट्स भेजे जाएंगे उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के पल्लव, जिसे हिंदी सेकंड के नाम से जानते हैं, इसमें अंतिम पाठ है 22, पाठ 22, 22 पार्ट 22, प्रकरण है मेरा वस्ता नामक पाठ का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में व्यंग के माध्यम से विद्यार्थियों के बोझिल बस्ते पर चोट किया गया है। कहने का मतलब, इसमें एक छोटा बच्चा रहता है, उसके बैग में कितनी किताबें, कापियां, बहुत सारे सामान होते हैं, इतना भारी वो बस्ता हो जाता है। बैग को हिंदी में बस्ता कहते हैं, इतना भारी बस्ता हो जाता है कि बच्चे उस बोझ को उठाने से डरते हैं, उनकी कमर मुलायम होती है और पीठ और कमर में दर्द हो जाता है। तो इस बारे में इसमें बताया गया है कि बोझिल बस्ते के बारे में बताया गया है। इसमें एक बच्चा कहता है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, वहाँ जाकर पढ़ना भी अच्छा लगता है, पढ़ने के अलावा वहाँ खेलना भी अच्छा लगता है। स्कूल में जब कभी नाटक, एकांकी, फैंसी ड्रेस शो, संगीत, भांगड़ा आदि के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं तो वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भांगड़े में गले पड़ा ढोल बजाता हूँ, सारी भांगड़ा टीम को ढोल की थाप पर डंके की चोट नचाता हूँ, तब तो बस मजा किया जाता है। और स्कूल के अध्यापक, वे भी अच्छे लगते हैं, उनमें भुड़कने और धुनने वाले बच्चे भी अच्छे लगते हैं और प्यार करने वाले भी सभी लोग अच्छे लगते हैं। स्कूल से संबंधित सब कुछ अच्छा लगता है। यदि अच्छा नहीं लगता तो बोरे का भाई और गठरी का भतीजा अच्छा नहीं लगता। इसका क्या मतलब? बोरे का भाई किसको कहा गया है? बस्ता को, बैग को, और गठरी का भतीजा, उसमें जितना भी सामान रहता है उसके बारे में बताया गया है कि अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चा क्या कहता है? कहता है कि मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें अच्छी लगती हैं, वहाँ के बच्चे अच्छे लगते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं अच्छी लगती हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, केवल अच्छा नहीं लगता तो वो क्या है? बस्ता, बस्ते का बोझ। आप गलती से यह मत पूछ बैठना कि बस्ता अच्छा नहीं लगता या बस्ता के अंदर रखी किताबें कापियां अच्छी नहीं लगती। बच्चा कहता है कि आप गलती से भी ये मत पूछिएगा कि आपको बस्ता अच्छा नहीं लगता या उसके अंदर रखी किताबें। तो किताबें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बस्ते का जो बोझ है, भारी बस्ता है, वो नहीं अच्छा लगता। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है तो किताबें भी अच्छी लगेंगी, ठीक है? बच्चे ने पहले ही बता दिया है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें अच्छी लगती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, केवल बस्ते का बोझ नहीं अच्छा लगता। किताबों के बिना पढ़ाई कैसी? मुझे तो केवल बस्ता नहीं, बस्ते का बोझ अच्छा नहीं लगता। जैसा कि अभी आपने सुना कि बस्ते का बोझ नहीं अच्छा लगता, बाकी सब कुछ उसे अच्छा लगता है। पता है आपको, पूरा 5 किलो वजन है मेरे बस्ते का,
जिसे हफ्ते में पूरे 5 दिन स्कूल आते जाते पीठ पर धोता रहता हूँ। हफ्ते में पूरे 5 दिन तक बस्ते का जो वजन है, भारी बस्ता है, उसे अपनी पीठ पर लेकर धोता रहता हूँ। फिर कहते हैं, भला वो शनि महाराज का उस दिन पीठ को आराम मिल जाता है। शनि महाराज से क्या मतलब है कि शनिवार के दिन कुछ कापियां और किताबें कम हो जाती हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा कराया जाए, ठीक है, गेम्स वगैरह। तो बच्चा बताता है कि आपको यह भी बता दूं कि मेरे घर से नहीं, बिना लिफ्ट के फ्लैट की तीसरी मंजिल से मेरा स्कूल पूरे 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर यानी पूरे 2000 मीटर दूर। और यह गणित एक ओर का है, एक तरफ की इतनी दूरी है, दोनों तरफ के मिला देंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी मुसीबत का ठीक ठीक अनुमान नहीं हो रहा है। अरे साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक कहावत है। अभी गिनाए लेता हूँ बस्ते के बोझ को। बस्ते में जो भी चीजें बच्चा रखता है उनके बारे में बताता है, कहता है कि अभी आपको गिना देता हूँ कि बस्ते का बोझ कितना है। चलिए किताबों से शुरू करता है, हिंदी की 1, अंग्रेजी की 2, गणित की 3। फिर कहता है, परमात्मा की दया है कि इसी में अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित मौजूद है। मतलब एक ही किताब में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तीनों मौजूद है। सामाजिक अध्ययन की 4, विज्ञान की 5, सदाचार मतलब नीति शिक्षा की 6 और लगभग इतनी ही कापियां और उनके ऊपर चढ़ा हुआ कवर। यह वजन कम तो नहीं। फिर किसी दिन व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर, तो किसी दिन इनकी वर्कबुक, तो सहायक पुस्तिकाएं और किसी दिन निबंध और ट्रांसलेशन की किताबें वजन को और बढ़ा देती हैं। तो बच्चा बस्ते के बोझ के बारे में बता रहा है कि बस्ता बहुत ही भारी होता है। और तो और इसमें कलर बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स और मेरा लंच बॉक्स और बॉटल भी रख दिया जाता है, इससे बस्ते का वजन और भी भर जाता है। और साहब, जब से वो संभाला तभी से यह बोझ ढोता आ रहा हूँ, अब तो आदत पड़ गई है, लेकिन बोझ जस का तस है। इसमें बच्चा कह रहा है कि जब वो छोटा था तभी से उसे बस्ते ढोने का, जो बस्ते का बोझ है, उसकी आदत सी पड़ गई है। हर क्लास में बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, अब बच्चे को बस्ते ढोने की आदत सी पड़ गई है, भारी बस्ते को। फिर बच्चा कहता है, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा शास्त्री कितना ही कहे कि बच्चों के बोझ को कम करो, पर कौन सुनता है इनकी। कानून बन जाए तब भी नहीं सुनेगा। उनकी कृपा से मेरा बस्ता भी फल फूल रहा है और मेरी कमर बोझ के मारे पिलपिली हो रही है। ठीक है, पिलपिली मतलब पतली, मुलायम, और वो भी मुड़ जा रही है बोझ के मारे, बस्ते के बोझ के मारे मेरी कमर दर्द हो जाती है। कहने का मतलब कि बच्चा कहता है कि कितना भी नियम बन जाए, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा शास्त्री कितना भी कहे कि बच्चों के बस्ते के बोझ को कम किया जाए, लेकिन इनकी कौन सुनता। सब अपने मन का करते हैं, कानून बन जाए तब भी नहीं कोई सुनेगा। अब समझ गए ना कि मुझे बस्ता क्यों अच्छा नहीं लगता। इतनी सारी बातें बताकर कहता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मुझे बस्ता क्यों नहीं अच्छा लगता। वैसे इसके लाभ भी हैं, बड़े होकर जिंदगी का जो बोझ उसी उसी ढोना है उसका अभ्यास हो रहा है, कमर मजबूत हो रही है, टांगों में बोझ संभालने के लिए ताकत आ रही है, अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिल रही है और व्यायाम की कसर पूरी हो रही है। लेकिन सर्दियों में भले ही वजन में गर्मी आ जाती है, गर्मियों से तो पसीने सूख जाते हैं,
कहने का मतलब बच्चा समझ रहा है कि बस्ते का बोझ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आने वाले समय में भविष्य में हमारे लिए एक अच्छा वरदान सिद्ध होगा कि हम अभी से इन चीजों की आदत डाल रहे हैं और हम अभी से मजबूत हो रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि बड़े होकर जो बोझ हमें ढोना है वो हम खुशी खुशी ढो लेंगे, उस चीज का अभ्यास अभी से हो रहा है। कमर हमारी जो पतली थी वो अब मजबूत हो रही है, टांगों में भी बोझ संभालने की ताकत आ रही है, अपने पैरों पर खड़े होने की मदद मिल रही है और व्यायाम की भी पूरी कसर निकल जा रही है, व्यायाम भी हो जा रहा है। और सर्दियों में तो बस्ते का बोझ ढोते ढोते गर्मी सी लगने लगती है, लेकिन गर्मियों में तो पसीने छूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सुनते हैं कि यूरोप और अमेरिका में टेलीविजन फिल्म स्ट्रिप्स और कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई होती है, यहाँ बस्तों का वजन हल्का होता है। बच्चा कहता है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में टेलीविजन फिल्म स्ट्रिप्स और कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई होती है, तो यहाँ बच्चों के बैग में बस्ते में कितनी कापियाँ किताबें होंगी, इससे तो उनके बस्ते का बोझ हल्का हो जाता होगा वजन। लेकिन हम तो जम्मू द्वीप में स्थित भरत खंड के निवासी हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं, इनका बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। ठीक है, यूरोप और अमेरिका में धनी लोग रहते हैं, इन देशों का क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है। हमारा देश क्षेत्रफल में इनसे कहीं कम है और जनसंख्या में कहीं अधिक। बच्चा कह रहा है कि यूरोप और अमेरिका में धनी लोग हैं, वहाँ का क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है, लेकिन हमारा जो देश है भारत, यहाँ का क्षेत्रफल कम और जनसंख्या अधिक है, तो इतनी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? वहाँ टेलीविजन और कंप्यूटर चल सकता है, यहाँ तो किताबें ही चलेंगी। टेलीविजन और कंप्यूटर आ जाएंगे तब भी चलती रहेंगी, किताबें चलेंगी तो बस्ता भी चलेगा, बस्ता चलेगा तो बोझ भी ढोना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात सुनकर यदि आपको मुझ पर तरस आए तो वह व्यर्थ है, तरस खाने से किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। तरस खाना, इसका क्या अर्थ होता है? दया। असर ही नहीं पड़ता तो तरस खाना व्यर्थ है। बच्चा इतना समझदार है, वो कह रहा है कि मैंने जो भी कुछ बताया इस चीज को सुनकर अगर कोई मुझ पर दया कर रहा है तो वो भी व्यर्थ है, कृपया दया ना करें। मुझे पता है कि 50 साल बाद भी स्कूल में पढ़ने आऊंगा, तब भी बस्ते का बोझ कम ना होगा। बढ़ भले ही जाए, विकास का जमाना है, इसलिए बस्ता भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। बस मुझे एक ही चिंता है कि 50 साल बाद बच्चे की सेहत गिर जाएगी और बस्ते की सेहत बढ़ जाएगी। समझ में आई कहानी बच्चों? एक बच्चे ने इस पर व्यंग प्रस्तुत किया है कि किस तरह से हम बस्ते के बोझ को ढो रहे हैं। एक तरह से वो बच्चा बस्ते के बोझ के बारे में भी बताता है और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि हम भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके इसके लिए हमें अभी से मजबूत किया जा रहा है। अभी तो हम व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए बड़े हो जाएंगे तो जो काम अभी हम कर रहे हैं उससे हमारा व्यायाम भी हो जाएगा, हमारी कमर भी मजबूत हो जाएगी, हम अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं, सभी मुश्किलों का हम सामना कर सकते हैं। तो इन बातों को बच्चों ने बताया है। इस पाठ का यही उद्देश्य है कि कम उम्र में ही बच्चों को इतना बोझिल बना दिया जा रहा है कि पहले तो शुरू से छोटे बच्चे जब स्कूल में प्रवेश लेते हैं और बड़े होते जाते हैं तभी से छोटे बच्चों के ऊपर बस्ते का बोझ आ जाता है और किताबें कापियाँ
और पेंसिल मार्क सब बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को इस तरह से जीवन के संघर्ष के बारे में भी पता चलता है कि अभी से अगर हम इतना संघर्ष करेंगे तो आगे चलकर हम मजबूत हो जाएंगे और कोई भी परेशानी हमारे सामने आएगी तो उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप सब इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ भेजा जाएगा, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।